हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हर साल की तरह 6 तारीख को होता है पिंकू का बर्थडे, जैसे 2 तारीख को गांधी जी का होता है, वैसे 6 तारीख को पिंकू का भी होता है। तो इस बार मैंने सोचा गिफ्ट दे देते हैं कुछ। मैंने कहा कि ड्रेस गिफ्ट कर देते हैं यार, अभी चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं क्या अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको रात के 12 बजे। तो गाइस, इधर आ गए हैं हम, क्या कहते हैं, इधर मॉल में। तो यहाँ से पिंकू के लिए चॉकलेट ले रहा हूँ रात के लिए। खाली खाली विश करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो चॉकलेट लेकर के विश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इधर से चॉकलेट लेता हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस, काफ़ी ढूंढने के बाद चॉकलेट तो मुझे मिली ढेर सारी, लेकिन ये वाली चॉकलेट कुछ यूनिक सी लगी। फेरेरो रॉचर, जिसका नाम मैंने नहीं सुना था आज तक। तो ये ले जाते हैं, एक मैं भी खा लूँगा और पिंकू भी खा लेगी। और ये ले रखा है हमने, दिखा रहे, ये नेस्कैफे ले रखा है, थोड़ा गर्मी होगा। हाँ, पता नहीं अब कैसा हो जाए। ये पिंकू को खिला देंगे, एक मैं भी खा लूँगा, फिर देखते हैं। सो गाइस, परिधान से खरीद लिया है मैंने सामान, जो भी लेना था ड्रेस। आपको रात को दिखाते हैं क्या लिया है करके, 12 बजे सरप्राइज देंगे। तो अब मैं भी घर को चलता हूँ, और देख लो इधर का व्यू, बहुत ही बढ़िया, मस्त टनाटन। सो गाइस, अब घर पहुंच गया हूँ और पिंकू खाना बना रही है उधर किचन में, तो इसको छुपा देते हैं। इसमें ही है जो भी है, इसको छुप गया, इधर छुपा देते हैं। यार थोड़ा दिख रहा है, देखना लेके आया करके, बस चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, रात के 12 बज चुके हैं, घड़ी तो है नहीं अंदर, बाहर है, और पिंकू सोई पड़ी है अभी। तो पिंकू को उठाते हैं और देते हैं सरप्राइज। अरे पिंके, पिंके बेतू, नींद आ गई? नहीं आई। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे आ गया, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, थैंक यू सो मच। आओ फिर, लव यू सो मच। कम अप, उठो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ला रखा हूँ। तो गाइस, छुपाई हुई चीज निकाल देते हैं, और यहाँ छुपाई थी मैंने बड़ी मुश्किल से, थैंक गॉड पिंकू को दिखी नहीं। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए। एक उसमें से जो स्वेटर है वो संदीप ने दे रखी है, ठीक है, जल्दी खोलो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है इसके शीशों से। वाओ, चिन्नी भी है। फिर ये क्या है? कैसा है? बहुत बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। और एक चीज और है। क्या है? और ये भी है तुम्हारे लिए। इतने सारे कपड़े क्यों? अरे ले आए तुम्हारे लिए, कमी है क्या कुछ? ये मेरे को अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। ये आपको ठंड से बचाने के लिए मेरे परम मित्र ने दिया है गिफ्ट। सच में स्वेटर नहीं थी मेरे पास, एक भी स्वेटर नहीं थी सच। ये लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच गरकोटी भैया एंड माय डियर मिस्टर माही, एंड लव यू सो मच। तो गाइस, पिंका लोग अभी आए नहीं है, और मैं पहले ही मार्केट आ गया हूँ, तो होटल में आज मैंने डिनर अरेंज किया था, और ये सरप्राइज है मेरे लिए। अभी वो सब लोग आ रहे हैं, तो इनके डेकोरेशन पूरी करने के बाद। सो गाइस, ये चिपका दिया है हमने हैप्पी बर्थडे, आगे पीछे तो नहीं हुआ, हैप्पी बर्थडे ठीक है,
और इसके बाद चिपकाते हैं गुब्बारे। यही हमारा डिनर है। ये गुब्बारे फुलाने वाले हमारे सहयोगी हैं, परम मित्र माही गोस्वामी। यहाँ पर को लगे पड़े हैं अपनी बीवी का जन्मदिन बनाने के लिए। सजाने में इनने पूरी कसर लगा रखी है, मन आए ना आए उनके ऊपर है, लेकिन इनकी तरफ से अपनी भरपूर मेहनत जारी है। इनका कहना है इससे ज्यादा हम सजा नहीं सकते, बाकी आप देख सकते हैं मेहनत भरपूर है बंदे की। तो डेकोरेशन तो कर लिए हमने, इतना ही हो सकता था। मैथमेटिक वाले स्टूडेंट हैं, अभी पिंका लोग भी पहुंचते ही होंगे, तो अभी ये टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद केक काटते हैं और फिर करते हैं डिनर। आ गए पिंका, आ गए मेरे दोनों भाई, आ गए पापा भी आ जाएंगे। कैसा लग रहा है, ड्रेस तो दिखाओ। ये देखो भरत मिलाप। Hey guys, so मैं आ गई हूँ। माही ने इतना प्यारा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सेलिब्रेशन करने का सोचा था। ये है रसोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आया। मुझे पता नहीं था, तो मस्त होगा अगर कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी। माही ने सब अकेले कर रहे, मेरे पति को आता नहीं है डेकोरेट करना, बट थैंक यू सो मच माही। और जो मैंने आज ड्रेस पहनी है वो भी माही लाए थे, और जो ये वाली स्वेटर अभी मैं पहनूंगी वो लाए हैं भास्कर भैया। वो वो आए आए आए, वाह आप देख सकते हैं ये। सो गाइस, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, अब है खाने की बारी। अभी हम खाएंगे, फिर दिखाती हूँ आपको खाने में क्या क्या है यहाँ पे। इनके लिए तो भजाली में रखना पड़ेगा खाना, भजाली में रखना पड़ेगा आपके लिए खाना। भजाली बड़ी होती परात, हाँ भाई तो कह जो बड़ा था। सो गाइस, अब होने लगा है बहुत ज्यादा ठंडा मुझे, तो मैंने पहनी स्वेटर जो मुझे दिए गरकोटी भैया ने, और अब खाने का अरेंजमेंट होने लग गया है। चिकन कबाब आ चुका है और स्टार्ट हो गया है खाना। खाना यहाँ पे सारे मित्रगण लोग आ गए हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, और ये भी बड़े स्पेशल है हमारे लिए। महा स्पेशल हो वो, वो वो इनको थोड़ी प्रॉब्लम आग देखने में। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, ये दूसरे भैया आ गए हैं हमारे, ये चश्मे वाले भैया। अब इनको केक खिला जा रहा है, खा ले भाई खा ले, बहुत बढ़िया। ये चोटी। तो भाई चिकन आ चुका है, सलाद आ चुका है, यहाँ आ चुका है सब कुछ, सारे लौंडे आ चुके हैं, और पिंकू भी आ चुके हैं। पिंकू यहाँ देखो, एक हल्की से स्माइल तो अच्छी सी। ये तो लग चुके हैं बटर नान, और बर्थडे वाली मैडम अपनी पहली बाइट लेने वाली है। चलो जल्दी करो, कैसा हो रहा है बताना है। ओफो, खाते ही मतलब ज्यादा टेस्टी हो रहा है। कैसा हो रहा है, सब मौज ले रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया। पिंका तो ठीक ही दिखती है, वाह वाह वाह, ओए होए होए। तो भाई हम चले गए, ये है रसोई रेस्टोरेंट, यहाँ खाना खाया था, खाना अच्छा था बढ़िया, और यहाँ पे पैक भी कर लिया है। अब चलते हैं घर, जाके मिलते हैं। तो भाई मम्मी किसी रीजन से
आ नहीं पाई थी, पैर में उनके दर्द है। हाँ जी, तो उनके लिए हम पैक करा के लाए थे। ये उनके लिए पैक करा के लाए हैं नान, और ये है वही चिकन जो हमने खाया था। तो देखो मम्मी कैसे मजे ले रही है, ये देखो कहते ही मम्मी सोई हुई थी, फिर हमने उठाया, हमने बोला उठ जाओ भाई। सो गाइस, बर्थडे घर पे तो बना नहीं था, तो हमने सोचा कि हम पड़ोसी मतलब हमारे ताऊजी लोग हैं जो माई के ताऊजी लोग, उनके लिए मिठाई ले लेते हैं। इन लोगों को हम मिठाई देंगे और मैं आपको दिखा दी हूँ कि हम इन लोगों के लिए कौन सी मिठाई लाए हैं। और गाइस ये है मिठाई, इतनी है गाइस क्योंकि इतने ही लोग हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना हम लोग बर्थडे मनाने मार्केट गए और ये लोग बिना मीठे के हो। और ये मेरे पति देव आराम फरमा रहे हैं, दिन भर इन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है ना, बहुत करी। थैंक यू सो मच, वेलकम बेटू। सो गाइस आज के सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा मजा आया, स्पेशली थैंक्स फॉर माही, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरा कोई बर्थडे ऐसे नहीं मनाता। और मेरा सेकंड बर्थडे था इतना स्पेशल, फर्स्ट बर्थडे भी मतलब यहाँ पे सेकंड था। और आज हमने बहुत ज्यादा मजे किए, आपने पूरे ब्लॉग में देखा होगा हमें। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।